हवाई सफर को हर कोई एंजॉय करना चाहता है, लेकिन फ्लाइट में छोटी सी भी चूक किसी की भी जान आफत में डाल सकती है। ऐसा ही हवा में उड़ते इजीजेट के विमान के साथ हुआ है, जिसकी एडिनबर्ग एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराने की नौबत आ गई। हालांकि इस हादसे के पीछे की वजह कोई गड़बड़ी नहीं, बल्कि फ्लाइट के पायलट की तबीयत खराब होना रही। इजी जेट की फ्लाइट संख्या EZY6938 ने रविवार सुबह ग्रीस के हेराक्लियोन से स्कॉटिश राजधानी के लिए उड़ान भरी थी, लेकिन उड़ान के बीच कुछ ऐसा हुआ कि विमान में सवार यात्रियों की जान पर बनाई। डेली स्टार की खबर के मुताबिक विमान से इमरजेंसी लैंडिंग का मैसेज आया तो एयर ट्रैफिक कंट्रोल पर तैनात अधिकारियों के हाथ पैर फूल गए। इसके तुरंत बाद अलर्ट जारी कर दिया गया। यही नहीं, इस घोषणा के बाद विमान में सवार यात्रियों की सांसें भी थमसी गई थी। एडिनबर्ग एयरपोर्ट पर इस विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। इससे पहले एयरपोर्ट पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और एम्बुलेंस को तैनात कर दिया गया था। विमान में सवार एक यात्री ने बताया कि उसने फ्लाइट के पायलट को टॉयलेट में दाखिल होते देखा था, लेकिन बाहर आते हुए नहीं देखा। फ्लाइट को तब एक यंग पायलट ऑपरेट कर रहा था, जिसने फ्लाइट में अनाउंस किया कि कैप्टन के बीमार होने की वजह से ऐसी इमरजेंसी लैंडिंग कराई जा रही है। यात्री ने बताया कि विमान में जानकारी दी गई कि पायलट करीब 13 घंटे से ड्यूटी पर था, जिसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई। वो टॉयलेट के लिए गए थे और वहीं उनकी हालत खराब हो गई और बाहर नहीं आ सके। विमान ने शुरुआत में भी करीब 45 मिनट की देरी से उड़ान भरी थी। विमान कंपनी इजीजेट के प्रवक्ता ने बाद में इस बात की पुष्टि करते हुए कहा कि 12 जून को हेराक्लियोन से उड़ान भरने वाले विमान के कैप्टन बीमार हो गए थे, जिसकी वजह से एडिनबर्ग एयरपोर्ट पर विमान की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी थी। उन्होंने बताया कि फर्स्ट ऑफिसर ने विमान को स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के तहत लैंड कराया और एहतियात के तौर पर एयरपोर्ट पर डॉक्टरों की टीम को बुलाया गया था। Bye. सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि।